यहाँ पे जो रेलवे के कांटेक्ट में आते हैं जो बच्चे, जैसे कोई ट्रैफिकिंग हो रहा है या कोई ऐसा बच्चा मिला जो कि पेरेंट्स से बिछड़ गया है, या कोई उस तरह का मिला जो कि वहाँ पे कुछ बहुत दिनों से रेलवे स्टेशन पे ही वो जो है पड़ा हुआ है, कुछ ये कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को जो है ये हमारा चाइल्ड लाइन जो है वो रांची स्टेशन पे काम करता है, वहाँ बच्चों को उन लोग को वहाँ पे लाया जाता है। और उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी जो है, बाल कल्याण समिति होती है स्टेट की, वहाँ पे उसको ले जाया जाता है। और उसमें एनजीओ जो चाइल्ड लाइन वाला जो एनजीओ है वो भी काम कर रहा है, और आरपीएफ और स्टेशन मैनेजर और जीआरपी पूरा सहयोग करते हैं इसमें। तो मान लीजिए कि स्टेशन पे कोई एक ऐसा बच्चा मिला जो कि उसका पता नहीं है, तो सबसे पहले पकड़ करके लोग उसको वहाँ चाइल्ड लाइन मिलाते हैं, वहाँ पे उससे पूछताछ करते हैं, उसके बारे में खाना वाना भी खिलाते हैं, और उसके बाद जो है उसको पेरेंट्स का पता अगर मिल जाता है तो पेरेंट्स के पास भी जो है उसको देने का एक प्रक्रिया है, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो चाइल्ड वेलफेयर जो कमिटी है उसके वहाँ पे उसको प्रस्तुत करते हैं। और वो जो है हर एक स्टेट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होता है, वो बेसिकली उसके ऊपर जो है अपना फैसला देता है कि इसको क्या करने का है। तो रेलवे का काम है कि वही अगर इस तरह के कोई बच्चे आए तो उसको जो है वो एक समुचित उसका जो है व्यवस्था व्यवस्था करें कि वो बच्चा फाइनली वो कहाँ जाएगा।